नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ देखा। तीन रिप्रेजेंटेशंस की हमने बात की थी, इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, सर्किट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा रिकैप करें, इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तभी संभव है जब मेरे ग्राफ में कोई भी सेल्फ लूप ना हो, तो ये कॉन्स्टेंट है, एन क्रॉस ई इसके डायमेंशंस होते हैं और 0-1 मैट्रिक्स है ये। सर्किट मैट्रिक्स Q क्रॉस E का है, जहाँ Q टोटल नंबर ऑफ सर्किट्स किसी भी दिए हुए ग्राफ में है, E नंबर ऑफ एजेस हैं उस ग्राफ की। और फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स, फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स क्रॉस E और फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स किसी भी N वर्टिसेस और E एजेस के ग्राफ के E माइनस एन प्लस वन होते हैं, लिहाजा इसका डायमेंशन होगा E माइनस एन प्लस वन क्रॉस E का। तो ये तीन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिए थे। आइए आगे चलते हैं अगले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पर, और जिसका नाम है कट सेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। कट सेट हम पहले ही जानते हैं, तो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कट सेट मैट्रिक्स ऑफ ए गिवन ग्राफ, कट सेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो मैं एक एग्जांपल कट से ग्राफ ले लेता हूं जिसमें कट सेट मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कट सेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी एक 0-1 मैट्रिक्स है। अभी तक हमने जितने मैट्रिसेस पढ़े सब 0-1 मैट्रिक्स थे, ये भी एक 0-1 मैट्रिक्स है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेटर सी से करते हैं। इसके डायमेंशंस जो हैं वो आर क्रॉस ई होते हैं। आर कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ कट सेट्स इन द गिवन ग्राफ है। जो ग्राफ आपको दिया हुआ है उसके अंदर बहुत सारे कट सेट्स होंगे। मैं आपको बताऊं, कट सेट एक ऐसा सेट ऑफ एजेस का जिसके रिमूवल से वो ग्राफ सेपरेबल ग्राफ हो जाता है, डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाता है, ऐसे सेट को हम लोग कट सेट कहते हैं। तो नंबर जितने भी कट सेट्स होंगे उस ग्राफ के अंदर, वो सब कट सेट्स का नंबर है आर और E edges है, तो R cross E इसका dimension होगा। और एक particular element C, I, J को हम define कर सकते हैं one if J-earth edge is present in I-earth cut set, और अगर ऐसा नहीं है तो obviously उस element की value zero होगी। Therefore zero if it is not so, zero otherwise। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से हम परिभाषा के ऊपर आ जाएंगे। माना कि ये मेरा ग्राफ है, बहुत छोटा सा सिंपल ग्राफ लिया है। उसका रीजन है कि बहुत सारे कट सेट किसी भी एक ग्राफ के अंदर पॉसिबल हैं। हो सकता है एक आध कट सेट हमसे परम्यूटेशन कम्बिनेशन में छूट जाए, तो मैं कोशिश करूंगा इसमें सभी कट सेट्स को निकालने की। देखिएगा, और एजेस का नाम भी मैं लिख दूं तो आसानी हो जाएगी मुझे कट सेट्स को लिखने में, E1, E2, E3, E4 और जो एक इंडिपेंडेंट एज है उसको मैंने E5 लिख दिया। अब देखिए, कट सेट बहुत बहुत बेसिक कट सेट होगा आपका ये वाला। अगर E5 एज को आप हटा लेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और दो हिस्सों में से एक हिस्सा V3 रहेगा और बाकी हिस्सा इधर रहेगा। तो अगर मैं पहले वाले कट सेट की बात करूं, कट सेट नंबर 1 इज नथिंग बट ओनली ए सिंगल एज, E5 इज मेकिंग ए कट सेट, तो E5 एक कट सेट है। अब अगर मैं ये कर दूं तो ये भी एक कट सेट है, कट सेट नंबर 2, E2, E3, राइट, ये भी एक कट सेट है, E3, E4, सो नंबर 3 इज इक्वल टू E3 एंड E4, अगेन एक कट सेट।
दिस इज अगेन ए कट सेट E1 एंड E4, फोर्थ E1 एंड E4 एंड सो ऑन सो फोर्थ. बहुत सारे कट सेट इस ग्राफ के होंगे, सभी कट सेट लिखना पॉसिबल नहीं है. कोशिश कर रहे हैं हम लोग E1, E2, ये दो दो के कॉम्बिनेशन के कट सेट हो गए. अब देखिए तीन के कॉम्बिनेशन का कट सेट आएगा, एक ये आ गया आपका E2, E4. तो अगर मैं फोर्थ सिक्स्थ कट सेट की बात करूं तो सिक्स कट सेट हो गया E2 एंड E4. देखिए एक कट सेट ये भी चला जाएगा E1 एंड E3, तो सेवेंथ इज योर E1 एंड E3. क्या और कोई कट सेट भी पॉसिबल है? हाँ और भी पॉसिबल है. आप यहां से लीजिएगा एक, ये ले जाइए, देखिए ये भी कट सेट है. क्या हुआ? E1, E3 एंड E5. सो देयरफॉर लॉट मेनी कट सेट्स आर पॉसिबल. नॉट पॉसिबल दैट ऑल कट सेट्स आर बीइंग रिटन ओवर हियर. E1, E3 एंड E5. E1, E3 एंड E5. बहुत सारे और भी कट सेट्स होंगे, सब नहीं लिखे जा. तो अगर मैं C लिखूं इस ग्राफ का, सी, सी इज इक्वल टू, यहां पर मैं कट सेट्स का नंबर दूंगा, कट सेट नंबर 1, कट सेट नंबर 2, कट सेट नंबर 3, कट सेट नंबर 4 एंड सो ऑन सो फोर. जितने भी कट सेट हैं वो सब मेरे यहां आते रहेंगे नीचे तक. और कॉलम कौन बनाएगा? कॉलम मेरी एजेस बनाएंगी, E1, E2, E3, E4 और इंटरेस्टिंगली पांच ही एजेस मेरे पास हैं. तो पांच एजेस मेरा कॉलम्स बनाएंगी. अब कट सेट नंबर 1 में खाली एक एज है E5, बाकी सब एंट्रीज जीरो हो जाएंगी, E5 की एंट्री 1 रहेगी. कट सेट 2 में 2 एंड 3 है, तो बाकी सब एंट्रीज जीरो हो जाएंगी और 2 एंड 3 ही रहेगी. कट सेट नंबर 3 में 3 एंड 4 है, तो 3 एंड 4 की एंट्री 1 रहेगी, बाकी एंट्री जीरो हो जाएंगी. और कट सेट नंबर 4 में E1 एंड E5 है. तो इस तरीके से हम लोग सभी एंट्रीज को फिल करते रहेंगे और इस तरह से जो ये मैट्रिक्स बनेगा ये कहलाएगा मेरा कट सेट मैट्रिक्स. इसको डिनोट हम लोग करते हैं लेटर सी से. लेटर ए से डिनोट करते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स को, लेटर बी से डिनोट करते हैं हम लोग सर्किट मैट्रिक्स को, और लेटर सी से डिनोट करते हैं हम लोग कट सेट मैट्रिक्स को. आइए आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, शायद मेरे किसी पिछले वीडियो में हो और मैं उसको दोहरा देता हूं, कि किसी भी ग्राफ में अगर कोई एक हम कट सेट लें और उसी ग्राफ में हम एक सर्किट लें तो इन दोनों के बीच में जो एजेस होती हैं इन कॉमन, वो हमेशा इवन नंबर में होती हैं. या तो कोई एज कॉमन नहीं होगी, या दो एजेस कॉमन होंगी, या चार एजेस कॉमन होंगी, या छह एजेस कॉमन होंगी, कभी भी एक, तीन, पांच और सात एजेस कॉमन नहीं हो सकती. उस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यहां पर यूज करें तो उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उसी ग्राफ का मैट्रिक्स बी, उसी ग्राफ का मैट्रिक्स सी. बी मैट्रिक्स मीन्स सर्किट मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स मीन्स कट सेट मैट्रिक्स. अगर इन दोनों मैट्रिसेस का मैं डॉट प्रोडक्ट लूं, वो डॉट प्रोडक्ट मॉड्यूलो 2 में हमेशा जीरो आता है. वो डॉट प्रोडक्ट मॉड्यूलो 2 में हमेशा जीरो आता है. जरा डायमेंशन देख लेते हैं तेजी से. बी के डायमेंशन मैंने क्या कहा था? क्यू क्रॉस ई होते हैं. और सी के डायमेंशन अभी अभी बताए मैंने आपको, आर क्रॉस ई होते हैं. तो इनको मल्टीप्लीकेटिव होने के लिए इनर डायमेंशंस का मैच करना जरूरी है, लिहाजा मैंने सी को क्या कर दिया, मैंने ट्रांसपोज ले लिया. तो जैसे ही ट्रांसपोज लिया तो ये क्या हो जाएंगे मेरे, ई क्रॉस आर हो जाएंगे. अब अंदर का दोनों डायमेंशंस मिल गए और दोनों मल्टीप्लीकेटिव हो जाते हैं. तो उस प्रॉपर्टी जो मैंने बताया कि सर्किट और कट सेट के बीच में जो नंबर ऑफ एजेस हैं कॉमन, वो इवन होती हैं. ड्यू टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इफ आई एम टेकिंग द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन बी एंड सी ऑन मॉड्यूलो 2, द मल्टीप्लीकेशन इज कमिंग टू बी जीरो ऑफ सर्किट मैट्रिक्स एंड कट सेट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ग्राफ. अब देखिए ये बहुत क्लियर कट केस है सिल्वेस्टर्स थ्योरम का. मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था अगर P और Q दो मैट्रिसेस हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो रैंक ऑफ P प्लस रैंक ऑफ R कैन नेवर एक्सीड बियॉन्ड द कॉमन डायमेंशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस. तो अप्लाइंग सिल्वेस्टर्स थ्योरम, यहां मैं सिर्फ सिल्वेस्टर थ्योरम को अप्लाई कर दे रहा हूं डायरेक्ट. अप्लाइंग सिल्वेस्टर्स थ्योरम, रैंक ऑफ B प्लस रैंक ऑफ सी, मैं फिर से कह रहा हूं, रैंक ऑफ सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी.
तो इस वजह से मैं यहाँ ट्रांसपोज नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ ट्रांसपोज लगा हुआ है, यहाँ ट्रांसपोज लगाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दोनों रैंक बराबर होती हैं। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हुए हम लोग जान इस चीज़ को समझते हैं, विल बी लेस देन आर इक्वल टू द कॉमन डिमेंशन, और कॉमन डिमेंशन क्या है, वो ई है। तो सिल्वेस्टर थ्योरम कहेगी कि बी की रैंक और सी की रैंक को अगर जोड़ दिया जाए तो ये दोनों ई से ज़्यादा नहीं हो सकते। और अगर मैं यहाँ से रैंक ऑफ सी निकालने की कोशिश करूँ, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो दैट विल बी ई माइनस रैंक ऑफ बी। और पिछले वीडियो में हमने देखा था रैंक ऑफ बी इज ई माइनस एन प्लस वन, तो देयर फोर दिस विल बी ई माइनस ई प्लस एन माइनस वन, दिस देयर फोर दिस विल बी एन माइनस वन। सो वी कंक्लूड, हम लोगों को कंक्लूजन मिला कि सी की रैंक कभी भी एन माइनस वन से ज्यादा नहीं हो सकती। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है वो सी का सब मैट्रिक्स है। आई एम राइटिंग इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करें समझने की। इंसिडेंस मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स is a subset of C matrix. Every row of A is included in C. Every row of A is included in C. Carefully. मैं छोटी सी एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। एक छोटा सा कोई ग्राफ लीजिएगा, उसी का ए मैट्रिक्स लिखिएगा, उसी का सी मैट्रिक्स लिखिएगा, और इस सेंटेंस को वेरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ए की सभी एंट्रीज सी के अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और अगर आ रही हैं इसका मतलब ए जो है वो सी का सब मैट्रिक्स है। सो ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन की वजह से मैं कह सकता हूं कि रैंक ऑफ सी, सी बड़ा मैट्रिक्स हुआ, रैंक ऑफ सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन या ज्यादा से ज्यादा होगी, तो बराबर हो सकती है ए की रैंक के बराबर होगी या हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि वो बड़ा मैट्रिक्स है अपने आप में। और रैंक ऑफ ए मैं पहले ही देख चुका हूं, पहली वाले वीडियो में मैं देख चुका हूं कि ए की रैंक जो है वो एन माइनस वन होती है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर टू आ गई। ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर वन कह रही है कि सी की रैंक एन माइनस वन से कम होगी या बराबर होगी। इक्वेशन नंबर दो कह रही है सी की रैंक एन माइनस वन से ज्यादा होगी या बराबर होगी। तो दोनों एक चीज पर एग्री कर रहे हैं कि रैंक बराबर होगी, ना ज्यादा होगी और ना कम होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू वी कंक्लूड, हम कंक्लूड करते हैं कि रैंक ऑफ सी, सी मीन्स सर्किट मैट्रिक्स, सर्किट मैट्रिक्स की रैंक एन माइनस वन होगी। तो हमने यहां देखा था ए की रैंक थी एन माइनस वन, बी की रैंक हम लोगों ने निकाली थी ई माइनस एन प्लस वन, और अभी अभी सी की रैंक निकाली हमने एन माइनस वन। तो ये रैंक्स हैं, हमें याद रखनी है, मैट्रिक्स ए की रैंक एन माइनस वन, मैट्रिक्स बी की रैंक ई माइनस एन प्लस वन, और मैट्रिक्स सी की रैंक एन माइनस वन। आगे चलते हैं और अगले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को लेते हैं, जो है फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह से सर्किट मैट्रिक्स का फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था, उसी तरह से यहां पर फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो मैं क्विकली एक एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं जरा इसको परिभाषित कर दूं, ये भी हमारा 0-1 मैट्रिक्स है, हर मैट्रिक्स अभी तक हमने पढ़ा है वो 0-1 है, ये भी 0-1 मैट्रिक्स है। इसके डायमेंशंस होते हैं नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट्स क्रॉस ई। अब आप बताएंगे मुझे फंडामेंटल कट सेट्स कितने होंगे, फंडामेंटल कट सेट उतने ही होंगे जितनी ब्रांच होती हैं, और किसी भी ग्राफ के अंदर n माइनस वन ब्रांच होती हैं। तो इसकी जगह मैं n माइनस वन लिख सकता हूं, n माइनस वन क्रॉस e। तो जो डायमेंशन होता है मेरा फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स का, वो n माइनस वन क्रॉस e होता है, और इसको हम लोग c सबस्क्रिप्ट f से डिनोट करते हैं। c था कट सेट मैट्रिक्स, f फॉर फंडामेंटल, और एक पर्टिकुलर एलिमेंट c i j और f मैंने ऊपर लगा दिया, c i j f कैन बी रिटन एज इक्वल टू वन इफ
जे अर्थ, फंडामेंटल, कट सेट, इंक्लूड्स, जे अर्थ फंडामेंट, आई अर्थ फंडामेंटल कट सेट इंक्लूड्स जे अर्थ एज, जीरो अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं है तो वो जीरो। ये मैथमेटिकल वे है लिखने का। अब हम लोग देख लेते हैं कि छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के उसका फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं वही एग्जाम्पल फिर से दोहरा रहा हूं, और जैसे ही आप कहेंगे फंडामेंटल, तो मैंने आपसे कहा था कि आप तुरंत मुझसे कहिएगा कि आप स्पैनिंग ट्री दीजिएगा। जैसे ही फंडामेंटल वैसे ही स्पैनिंग ट्री, बगैर स्पैनिंग ट्री के फंडामेंटल का कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने ये ग्राफ बनाया है, इसमें अभी तक आपको स्पैनिंग ट्री नहीं दिया है, मैं स्पैनिंग ट्री बनाए दे रहा हूँ इस ग्राफ में। तो जो मोटी लाइनें हैं उन मोटी लाइनों का मतलब है स्पैनिंग ट्री, और बाकी जो बारीक चीज़ें बच गई वो बच गई कॉर्ड्स। क्या बच गई? वो कॉर्ड्स बच गई, ठीक है। तो E1, E2, E3, E5 तो हैं ब्रांचेस, और E4, E6 और E7 है आपकी कॉर्ड्स। सॉरी, E7 भी ब्रांच होगी क्योंकि ये टूट गया, ये छूट गया था आपका ये वाला। अब ये पूरा दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज दिस ऑलरेडी हैज बीन इंक्लूडेड ओवर हियर। नाउ V1, V2, V3, V4 एंड V5, दिस इज कॉर्ड ओनली। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द फंडामेंटल कट सेट्स इन इट। फंडामेंटल कट सेट की क्या प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल कट सेट में एग्जैक्टली वन ब्रांच एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉर्ड्स। एक ब्रांच आएगी, कट सेट ऐसा बनेगा जिसके अंदर एक ब्रांच होगी और बाकी सब क्या होंगी? कॉर्ड्स होंगी। ब्रांच मतलब मोटी वाली, तो एक तो मोटी वाली होगी और बाकी सब क्या होंगी? पतली कॉर्ड्स होंगी। तो देखिएगा, और हर कॉर्ड्स के कोरिस्पॉन्डिंग में एक फंडामेंटल कट सेट जरूर होगा। तो देखिए, अब बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। E4 को अगर मैं इंक्लूड करता हूं, तो E4 को इंक्लूड करते हुए ये मेरा फंडामेंटल कट सेट बन गया। E4 के साथ एक मोटी मैंने निकाल दी E3, तो कट सेट बन गया, और सिंस एक ही कॉर्ड है तो फंडामेंटल कट सेट होगा। तो पहला फंडामेंटल कट सेट मेरा बना E4, उसको मैं अंडरलाइन करूंगा, और E3 अंडरलाइन क्यों करूंगा? क्योंकि वो अकेली कॉर्ड है। ऑल्दो ब्रांच भी वहां अकेली है, लेकिन ज्यादा हो सकती थी, ब्रांचेस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, इसके जरिए कौन सा फंडामेंटल कट सेट बनेगा? इस कॉर्ड के जरिए। तो देखिए, ये अगर निकालूंगा तो इसके साथ मुझे ये निकालनी पड़ेगी, और उसके साथ ये भी निकालनी पड़ेगी, और इसके साथ ये भी निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के मेरा ग्राफ क्या होगा? डिसकनेक्टेड होगा। तो फंडामेंटल कट सेट नंबर 2 क्या आएगा आपका? E6 को मैं अंडरलाइन करूंगा क्योंकि वही अकेली कॉर्ड है। E1, E5 और E3, E1, E3 और E5 ब्रांचेस हैं। एक और कट सेट बनेगा आपका E7 के कोरिस्पॉन्डिंग में, E7 के कोरिस्पॉन्डिंग में, और वो बनेगा, देखिए ये बन जाएगा E7 अकेली कॉर्ड होगी। उसके साथ ब्रांच कई भी हो सकती है, लेकिन एक ही ब्रांच से मेरा काम चल गया हटाने से, और मेरा ग्राफ डिसकनेक्टेड हो गया। तो दीज थ्री विल बी द फंडामेंटल कट सेट्स इन दिस ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्पैनिंग ट्री। तो अब अगर मैं इसका CF लिखता हूं, CF, तो कैसे लिखूंगा? पहला, दूसरा और तीसरा, तीन ही हैं फंडामेंटल कट सेट, तीनों लिख दिए मैंने यहां पर। एजेस कितनी है? 7 हैं, 7 एजेस लिखनी पड़ेंगी मुझे, E1, E2, E3, E4, 5, 6 एंड 7। और जिस तरह से हम लोग फिल करते थे 0 और 1, 0, 1 फिल करते चले जाएं। 1 के अंदर कौन कौन है? 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 विल बी 1, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी 0, नो इश्यू। 2 में 1, 3, 5 एंड 6, 1, 3, 5 एंड 6, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी 0। एंड 3 में 1 एंड 7, 1 एंड द लास्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी 0। सो दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स ऑफ this given graph with respect to this spanning tree, with respect to this spanning tree, अगर spanning tree change कर दूं मैं, तो ये fundamental cut set matrix भी change हो जाएगा, ठीक है? fundamental cut set matrix की rank भी n-1 ही होती है। तो मैं थोड़ा सा brief आपको एक tabular form में कर देता हूं, जो अभी तक हम लोगों ने देखा।
और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इतने मैट्रिसेस के बाद, इंसिडेंस मैट्रिक्स ए डायमेंशन लिखूंगा मैं यहां पर, और उसके बाद यहां रैंक लिखूंगा। इंसिडेंस मैट्रिक्स ए, ए के डायमेंशन एन क्रॉस ई, उसकी रैंक एन माइनस वन। बी सर्किट मैट्रिक्स, उसके डायमेंशंस क्यू क्रॉस ई, उसकी रैंक ई माइनस एन प्लस वन। बी एफ फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स, उसके डायमेंशंस फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स के डायमेंशंस ई माइनस एन प्लस वन क्रॉस ई, और उसकी रैंक भी ई माइनस एन प्लस वन। ये टेबल बन रही है आपकी, रेडीमेड टेबल। सी कट सेट मैट्रिक्स, कट सेट मैट्रिक्स के डायमेंशंस आर क्रॉस ई, और उसकी रैंक एन माइनस वन। सी एफ फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स, उसके डायमेंशंस एन माइनस वन क्रॉस ई, और उसकी रैंक एन माइनस वन। So this is the summary what we have done till now about incidence matrix, circuit matrix, fundamental circuit matrix, cut set matrix and fundamental cut set matrix. इसके बाद अगला दो matrices, last two matrices हैं। पहला path matrix है और अंतिम matrix है adjacency matrix। तो path matrix को देख लेते हैं बेटा एक बार। path matrix representation, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पाथ मैट्रिक्स के बारे में। बहुत हल्का फुल्का मैट्रिक्स है। पाथ मैट्रिक्स सिर्फ पेयर ऑफ वर्टिसेस के लिए डिफाइन होता है। पाथ मैट्रिक्स पूरे ग्राफ के लिए डिफाइन नहीं होता है। पाथ मैट्रिक्स डिफाइंड होता है ग्राफ के अंदर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के लिए, ठीक है। तो रिटन एज टू बी पी एक्स वाई, इट इज रिटन एज टू बी पी एक्स वाई, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं पी आई जे, सॉरी पी एक्स वाई, बिकॉज एक्स वाई इज द एक्चुअल पेयर। तो पी एक्स वाई आई जे, ये भी जीरो वन मैट्रिक्स है। दिस इज अगेन ए जीरो वन मैट्रिक्स। इसके डायमेंशंस होते हैं पी क्रॉस ई, जहां पी नंबर ऑफ paths between pair x y, vertex pair x y, or p I j for x y can be written as to be 1 if j earth edge is present in I earth path जीरो अदरवाइज। ये मैथमेटिकल वे है इसका लिखने का। मैं आपको इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं। बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझ में आने में परेशानी ना हो। वी वन वी टू वी थ्री वी फोर ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव। अब सपोज मुझको लिखना है इसमें पाथ मैट्रिक्स पी फॉर से वी वन वी फोर, मुझे लिखना है पी वी वन वी फोर। तो मुझे डिफाइन करना होगा वी वन और वी फोर के बीच में कितने पाथ एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले मैं पाथ एग्जिस्ट कराऊं, तो पहला पाथ वी वन टू वी फोर डायरेक्ट जा रहा है। कितनी एजेस हैं इस पाथ के अंदर? खाली एक एज है, ई फोर एज है, वी वन ई फोर वी फोर, खत्म। दूसरा पाथ इधर से घूम के चले जाओ, V1 से E1 के जरिए V3 पर आओ, V3 से E5 के जरिए V4 पर जाओ। कौन कौन सी एजेस पड़ी इसके अंदर? E1 एंड E5, E1 एंड E5। थर्ड पाथ और भी है कोई क्या? V1 से V4 तक पहुंचो, यस V2 पहुंचो, V2 से V4 आ जाओ। तो E2 और E3 के जरिए, E2 और E3, इसके अलावा और कोई पाथ इसमें V1 से V4 पहुंचने के लिए नहीं। डायरेक्ट जाओ, इधर से घूम के जाओ या इधर से घूम के जाओ, इसके अलावा और कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। तो कितने यहां डायमेंशंस होंगे? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव।
इतनी एजेस हैं, ओ सॉरी, हाँ E5 इतनी एजेस हैं। वन में कौन कौन, खाली फोर, बाकी सब जीरो। टू में कौन कौन, खाली वन एंड फाइव, वन एंड फाइव, बाकी सब जीरो। थ्री में कौन कौन, टू एंड थ्री, टू एंड थ्री, बाकी सब जीरो। सो दिस इज द पाथ मैट्रिक्स फॉर ए पेयर ऑफ वर्टेक्स। विच इज द पेयर ऑफ वर्टेक्स, V1 एंड V4। पाथ मैट्रिक्स कभी भी पूरे ग्राफ के लिए नहीं लिखा जाता है, पाथ मैट्रिक्स हमेशा पेयर ऑफ वर्टेक्स के लिए लिखा जाता है। V1 V4 के लिए हम लोगों ने यहां लिख करके दिखा दिया। इसी तरह से आप किसी के लिए भी, आप V2 और V3 के लिए लिख सकते हैं, दो पाथ हैं V2 V3 के बीच में, इधर से आ जाइए या इधर से आ जाइए, ठीक है। अगर किन्हीं पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में कोई पाथ नहीं है तो मेरा जो पाथ वर्टेक्स मैट्रिक्स होगा वो जीरो होगा, सभी एंट्रीज क्या आ जाएंगे, उसकी जीरो आ जाएंगे। अंतिम मैट्रिक्स है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगा, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आप वर्कआउट करेंगे, और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछेंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, द लास्ट इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है ये। नंबर वन 0-1 मैट्रिक्स है, अभी तक सभी 0-1 पढ़े हैं तो ये भी 0-1 मैट्रिक्स है। इसके डायमेंशंस स्क्वायर होते हैं, एन क्रॉस एन है। अभी तक हर एक मैट्रिक्स के डायमेंशन में ई जरूर आ रहा था, नंबर ऑफ एजेस जरूर आ रहा था, लेकिन इसके इसके डायमेंशंस में कहीं पर भी एज ई नहीं आता है। एन क्रॉस एन, नंबर ऑफ वर्टिसेस क्रॉस नंबर ऑफ वर्टिसेस का होता है ये। लेकिन इसके साथ भी एक कंस्टेंट है, जैसा कि इंसिडेंस मैट्रिक्स के साथ एक कंस्टेंट था कि सेल्फ लूप फ्री ग्राफ होना चाहिए, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ एक कंस्टेंट है नो पैरेलल एजेस। ये ऐसे ही ग्राफ का लिखा जा सकता है जिसमें कोई पैरेलल एज ना हो। तो मैंने लिख दिया यहां पर ओनली फॉर ग्राफ्स हैविंग नो पैरेलल एज, हैविंग नो पैरेलल एज, ठीक है। सो 0-1 मैट्रिक्स एन क्रॉस एन, एंड इसको डिनोट हम करते हैं लेटर एक्स से। एक एलिमेंट एक्स आई जे इज रिटन एज टू बी वन इफ जे अर्थ वर्टेक्स इज एडजेसेंट विद आई अर्थ वर्टेक्स। अगर दोनों पड़ोसी हैं, डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वन लिखिएगा, अदरवाइज जीरो लिखिएगा, अदरवाइज जीरो लिखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्विकली। क्या नहीं होनी चाहिए, पैरेलल एजेस नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चीजें संभव हैं। V1, V2, V3, V4, V5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। एग्जाम्पल ग्राफ मैंने बना दिया, इसका एक्स लिखना है हमें। एक्स क्या है, एन क्रॉस एन, कितनी रोज कितने कॉलम, जितने वर्टेक्स उतनी रोज, जितने वर्टेक्स उतने कॉलम। तो कितने वर्टिसेस हैं इसके अंदर, पांच वर्टिसेस हैं, एक, हाँ पांच वर्टिसेस हैं। तो V1, V2, V3, V4, V5। V1 V1 के बीच में कोई एज है, अगर है तो वन, नहीं है तो जीरो। V1 V1 के बीच में कोई एज नहीं है। क्या V1 और V2 के बीच में कोई एज है, है, अगर है तो वन, नहीं है तो जीरो। तो है तो वन, ऐसे ही देखें V1 V1 पर कहां कहां तक एज है, V5 तक एज है। V2 से कहां कहां एज जा रही है, V1 पर जा रही है, V5 पर जा रही है, V4 पर जा रही है, और V3। तो 3, 4, 5 और 1। V3 से कहां जा रही है, V3 से V2 मिल रहा है और V4 मिल रहा है, दैट्स इट। V2 मिल रहा है और V4 मिल रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिल रहा। और V4 से कहां कहां जा रहे हैं हम लोग, 3, 2, 5, तो 2, 3, 5, 2, 3, 5। और V5 से कहां कहां जा रहे हैं हम लोग, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। सो ये क्या कहलाएगा मेरा, एक्स। एक्स मीन्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ। ब्यूटी देखिए इस मैट्रिक्स की,
इसमें अगर कोई सेल्फ लूप नहीं है तो इसके डायगनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, अगर कोई सेल्फ लूप नहीं है तो इसके डायगनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, और ये सिमेट्रिक होगा, ये दोनों पोर्शन एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। देखिए 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे अक्रॉस द डायगनल, डायगनल के अक्रॉस एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। सो ये था आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसी के साथ हम सभी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस को ख़त्म करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, और किसी भी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए बी सी एंड एक्स फॉर K5 ग्राफ। अब मैं बता दूं आपको, K5 ग्राफ है एक कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस। हिंट मैं आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन की, K5 बनाकर दिखाई दे रहा हूं आपको, K5 ये है, ये K5 है आपका, कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस। इसका आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखना है, इसका आपको सर्किट मैट्रिक्स लिखना है, इसका आपको कट सेट मैट्रिक्स लिखना है, और इसका आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखना है। इनफैक्ट आपका बी और सी बहुत बड़े मैट्रिक्स हो जाएंगे, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े मैट्रिक्स हो जाएंगे, तो आपकी सुविधा के लिए मैं इसको बी एफ किए दे रहा हूं। फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स लिखना है सिर्फ, आपकी सुविधा के लिए मैं सी को एफ किए दे रहा हूं। कट सेट, फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स लिखना है। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें आपने स्पैनिंग ट्री नहीं दिया, कोई भी स्पैनिंग ट्री ले लीजिएगा, तो मैं क्वेश्चन में ही लिखे दे रहा हूं आपका, आपके नीचे टेक रैंडम स्पैनिंग ट्री, टेक रैंडम स्पैनिंग ट्री फॉर राइटिंग बी एफ एंड सी एफ। सी एफ और बी एफ लिखने के लिए कोई भी स्पैनिंग ट्री आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्रूव दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ट्रांसपोज लगाना आपकी मजबूरी है इनमें, तो ए और बी और बी और ए का दोनों का जो ट्रांसपोज ये है मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो होगा फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। मैं ग्राफ दिए दे रहा हूं आपको, इस ग्राफ के लिए आपको ए लिखना है, इसी ग्राफ के लिए आपको बी लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके दिखाना है कि जीरो आ जाएगा। और हिंट मैं आपको इसमें दे रहा हूं, जैसे यहां पर हिंट थी उसी तरह से आपको इसमें, आई डोंट थिंक दैट देर इज रिक्वायर्ड एनी हिंट, इवन देन इफ यू रिक्वायर हिंट देर आर 3 सर्किट्स ओवर हेयर एंड फॉर इंसिडेंस मैट्रिक्स देर इज नो हिंट रिक्वायर्ड, राइट। मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन होगा। हिंट जो सबसे बड़ी है वो ये है कि मॉड 2 ऑपरेशंस आपको करना है, मॉड 2 ऑपरेशंस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, प्रूव दैट बी डॉट प्रोडक्ट सी सी डॉट प्रोडक्ट बी सी डॉट प्रोडक्ट बी टी इज इक्वल टू जीरो फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ में इसमें आपको दे रहा हूं ये, दिस इज द ग्राफ फॉर द थर्ड वन। इसकी भी हिंट वही है, मॉड 2 ऑपरेशंस, मॉड 2
ऑपरेशंस आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट पाथ मैट्रिक्स, इनफैक्ट द प्लूरल पाथ मैट्रिसेस फॉर द फॉर ऑल द पेयर ऑफ वर्टिसेस इन के फोर। के फोर एक कंप्लीट ग्राफ है जो चार वर्टिसेस का होता है, तो के फोर एंड के थ्री थ्री। जस्ट टू रिमाइंड यू एंड गिव यू द हिंट, के फोर बनता है इस तरह से, ये के फोर है, बीच में कोई भी वर्टेक्स नहीं है, ये के फोर है। के थ्री थ्री बनता है कुछ इस तरीके से, आप हेल्प के लिए मेरे पुराने वीडियो की को देख सकते हैं। ये के फोर है और ये के थ्री थ्री है। इन दोनों ग्राफ्स में आपको पाथ मैट्रिसेस लिखने हैं, और पाथ मैट्रिसेस लिखने हैं सभी पेयर ऑफ वर्टिसेस के लिए। सभी पेयर ऑफ वर्टिसेस के लिए मतलब, अगर मैं यहां आकर v1 कहूं, इसको v2 कहूं, इसको v3 कहूं, इसको v4, v1 v2 1, v1 v3 2, v1 v4 3, तीन पेयर्स हो गए। v2 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, v2 v3 अनदर पेयर, v2 v4 अनदर पेयर, v2 v1 एनीवे वी हैव डन इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट वन इज राइट adjacency matrix for W6. W6 is a wheel graph of 6 vertices. मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था, create a cycle of n-1 vertices 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and put one vertex at the center and join that vertex to everything at the periphery. So this is said to be W7. So write the adjacency matrix for W7. Thank you very much. You can reach to me at my email ID for the solutions of all these problems and anything you face during your study of these topics, tipendra@gmail.com. Preferably, I will answer in 1 or 2 working days. Thank you.